मैं हूं मिसेस खान, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मीट एंड मिसेस खान। आज के समय में मांस का डिमांड इतना बढ़ गया है जिसकी वजह से बाजार में इसे बहुत ज्यादा कीमत में बिक रहा है। वैसे आज के हालात को देखते हुए मांस एक जरूरी सामान में से एक है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से मांस बनाने का तरीका। आप घर पे ही कॉटन के कपड़े का डबल लेयर मांस पूरे परिवार के लिए बना सकते हैं। मैं अपने कपड़े खुद ही सिलती हूँ, इसलिए मेरे पास कुछ कट पीस पड़े हुए हैं। मैंने इनमें से जो मुझे मास्क के लिए बेहतर लगेगा मैं उसे निकालूंगी। तो ये सही है, ब्लैक भी है और कॉटन भी है, इसके मास्क अच्छे रहेंगे। मास्क का मेजरमेंट करके मैंने पैटर्न बना लिया है ताकि इसी तरह से ढेरों मास्क बना सकती हूँ। आप इस मेजरमेंट को वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसी पैटर्न से ये कटिंग कर लिया मैंने। अब इसे कैसे सिलाई करना है इसे गौर से देखेंगे। मेरे पास सिलाई मशीन है इसलिए मैं मशीन से ही सिल लेती हूँ। आप चाहें तो इसे हाथ से भी सिल सकते हैं। ये दो पल्ले बन गए हैं, अब इसे जोड़ लेती हूँ। अब इसे मैंने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद इसके ऊपर से एक चाप पर सिलाई लगा देती हूँ ताकि दोनों कपड़े अच्छे से बैठ जाएं। अब आती है फीता लगाने की बारी। तो आप इलास्टिक लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये काली मोटी वाली डोरी है जो स्ट्रेचेबल नहीं है, इसलिए इसे पूरे चेहरे के नाप से ही डोरी लगानी होगी। मैंने 40 सेंटीमीटर डोरी ली है दोनों साइड के लिए। यह बड़े चेहरे पर सही बैठेगा। अगर छोटे लोगों के लिए है तो डोरी छोटा काटें या अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। डोरी को दोनों साइड से अच्छी तरह बांध लिया है और हमारा मास्क बनकर रेडी हो गया है। और ये मिस्टर खान के चेहरे पर बिल्कुल फिट बैठ गया है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।